नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपकी आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों ने पहले जो 3 चैप्टर हैं हमारे पाठ्यक्रम के, आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से वो समझे होंगे। और उसका जो कार्य था, जो आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए थे, कुछ मैंने खुद लिख कर दिए थे नोट्स आपको, वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलते हैं हमारी आज की जो अगली कविता है, दो पहरी, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शकुंत माथुर जी की ये कविता है और इसमें उन्होंने दोपहरी यानी कि भीषण गर्मी की एक दोपहरी का वर्णन किया है। और उसके माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि जब भीषण गर्मी पड़ती है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो हमारी प्रकृति पर, हमारे सभी प्राणियों पर उसका कैसा प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है। और एक दूसरी एक और बात यहाँ, एक कटाक्ष भी, एक तरह का यहाँ व्यंग्य जिसको कहते हैं, वो यहाँ कवि जो हैं प्रस्तुत कर रहे हैं, या हमारे समाज को एक आईना दिखा रहे हैं कि हमारे समाज की जो स्थिति है, या हमारे समाज जो है वो दो वर्गों में बंटा हुआ है। एक तो ऐसे लोग आते हैं हमारे समाज में जिन पर विपरीत परिस्थितियों का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनके पास जीवन जीने के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जो है वो विद्यमान रहती हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो पूरा दिन भर कार्य करने के बाद शाम तक अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। इसका एक सजीव उदाहरण जो है, आप लोग अभी अपने टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, कोरोना के इन दिनों में, इस महामारी के दिनों में, आप लोग टीवी पे देखते हो कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपने स्थान को छोड़कर अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई, उन्होंने पूंजी जो है वो जमा नहीं की है कि जिसका वो अभी इस्तेमाल कर सके। तो एक्चुअली हमारे देश की स्थिति कैसी है, हमारे समाज की स्थिति कैसी है, ये भी एक विचारशील जो मुद्दा है यहाँ इस कविता के माध्यम से कभी हमें आईना दिखाने का प्रयास करना है। चलिए आगे मैं व्याख्या इसकी थोड़ी सी करना चाहूँगी। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी हैं। जहाँ पे अलंकार आएगा उसका भी मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करूँगी, और बाकी एक बार मैं आपको अलग से अलंकार समझाऊँगी बाद में, इस कविता के बाद। तो लेकिन जो पंक्तियाँ आ रही हैं वो मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूँगी। जैसे यहाँ आया, काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी, अंगारे सी, और जहाँ पे आपको अंगारे से मतलब अंगारों की तरह, तो ये जो सी है, इस तरह के जो शब्द की तरह के समान के रूप में, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे सी का मतलब अंगारे की तरह, तो उसकी आप व्याख्या सरल करके उस अलंकार को पहचान सकते हैं। छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। अब इसमें कवि जो है प्रकृति पर क्या प्रकोप है इस भीषण गर्मी का, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गर्मी की इस दोपहरी में तपते हुए नभ के नीचे, नभ यानी कि आसमान के नीचे, हमारी जो ये सड़कें हैं ये बिल्कुल अंगारे की तरह जल रही हैं, इतनी तेज गर्म हो गई हैं कि इन पर चलना बहुत नामुमकिन हो गया है, असंभव हो गया है। छा जली थी पेड़ों के भी, पत्ते झुलस गए थे। इस भीषण गर्मी के कारण हमारे जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो भी झुलस गए हैं, उनके पत्ते जो हैं वो जल गए हैं। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हों अकाल के ज्यों अवतार। और बड़े बड़े जो वृक्ष हैं वो भी पत्ते विहीन हो गए हैं, यानी कि पत्ते झड़ चुके हैं भीषण गर्मी के कारण, झुलस गए हैं उनके पत्ते, और ऐसे लग रहे हैं मानो वो कंकाल हों। कंकाल यानी कि जब हमारा शरीर है, अगर इसमें हमारी जो मांस है वो नहीं रहेगा, हड्डियों का जो ढांचा रहेगा उसको कंकाल कहेंगे। तो उसी तरह पेड़ जो हैं, जब पत्ते उनके झड़ जाते हैं तो बिल्कुल शाखाएं, सूखी टहनियां जो रह जाती हैं, तना रह जाता है, तो उसे कवि ने यहाँ कंकाल कहा है। हों अकाल के ज्यों अवतार, ऐसा लगता है मानो चारों तरफ अकाल पड़ गया हो, चारों तरफ की दुर्दशा हो गई है प्रकृति की, ये बताने का यहाँ कवि प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे भाग में क्या कहते हैं कवि, एक अकेला तांगा था दूरी पर, एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सरफ सरी की, घूम घूम जो बल खाती थी सरफ सरी की, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर, भाग रहा वो तार गोल की जली अंगीठी के ऊपर से। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि
कि एक अकेला तांगा उस भीषण, जिस पे हम कहते हैं कि चलना भी असंभव है, लेकिन फिर भी उस भीषण गर्मी में, उस तपते हुए अंगारों के समान तपती उस सड़क पर, उस रास्ते पर एक तांगा जो है वो गुजर रहा है। कोचबान, कोचबान यानी कि जो उस तांगे को हांकने वाला है, उसके हाथ में चाबुक है और उस, क्योंकि जो तांगा है उसको घोड़ा ही खींचता है उस तांगे को, तो उसके हाथ में चाबुक है कोचबान के, और उस घोड़े की पीठ पर वो मार रहा है ताकि वो जल्दी से उस तांगे को खींचकर उसके गंतव्य तक, उसकी मंजिल तक उसे पहुंचा दे। और एक तो ऊपर से गर्मी है और ऊपर से उस चाबुक से जब उसको मार पड़ रही है घोड़े पर, तो उसे कभी कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो किसी सर्प ने दंश मार दिया हो या सांप ने डंस लिया हो, इतना जो भीषण पीड़ा उस चाबुक से हो रही है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उस मजबूरी, वो जो कोचवान है वो भी मजबूर है, घोड़ा तांगा खींचने के लिए मजबूर है, लाचार है, बेबस है। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, इसका मतलब ये सर्प के समान, तो यहाँ पे भी कौन सा आपका अलंकार आएगा, उपमा अलंकार। जैसे मैंने बोला था कि इस तरह के शब्द आते हैं जहाँ पे के समान जो है वो आता है, या सरीखी, मतलब सरीखी का मतलब भी है समान, कि सांप के समान लगती है वो। बेदर्दी से पड़ती थी यानी कि बहुत बुरी तरह से उसकी पीठ पर जब पड़ती है तो उसे भीषण पीड़ा का अनुभव होता है, लेकिन फिर भी उस तारकोल की जलती हुई आग के समान उस सड़क पर वो आगे बढ़ा चला जा रहा है। अब एक और यहाँ पे दूसरे तीसरे भाग में यहाँ बता रहे हैं कवि कि कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए, जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही थी गांव की आत्मा। अब एक बहुत ही निर्धन ग्रामीण व्यक्ति का यहाँ पे दशा जो है वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कवि। कहते कि एक ग्रामीण चला आ रहा है, अपनी कंधे पे लाठी ली हुई है, मोटी सी गठरी उठाई हुई है, जिसमें ऐसे लग रहा है मानो अपनी कोई सुख दुख का जो किस्सा है वो बयान करने जा रहा है। उसके जूते, उसकी जो पहनावा है, उसकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि बहुत निर्धन है, क्योंकि जूते फटे हुए हैं, और कभी कहते हैं कि उस फटे हुए जूते के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि वो किसी गांव से आया है और अपने जीवन यापन के लिए, कुछ कमाने के लिए इस शहर की ओर प्रस्थान कर रहा है। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता, वो भी जीना चाहता है, अपने परिवार का, अपने लोगों का पेट पालना चाहता है, जिसके लिए वो थोड़ा सा कुछ कमा सके। उस निर्धन की इस पीड़ा को कभी यहाँ बयान करना चाहते हैं कि किस तरह वो जीवन जीने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत होने पर भी वो अपने कदमों को आराम नहीं देगा, विराम नहीं देगा, वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा।